हेलो किसान दोस्तों, नमस्कार। किसान भाइयों, आज के वीडियो में डीएपी खाद के बारे में पूरी जानकारी वाली वीडियो होने वाली है। आप जो डीएपी खाद दुकान से खरीद कर लाए हैं, वह डीएपी खाद असली है या नकली? इन दिनों बाजार में नकली खाद की खूब बिक्री हो रही है। आइए जानते हैं असली और नकली खाद की पहचान करने के कुछ आसान तरीके के बारे में। इन दिनों खरीफ फसलों की बुआई का मौसम चल रहा है, ऐसे में ज्यादातर किसान डीएपी खाद, यूरिया आदि खाद डालकर ही बुआई करते हैं। आसमान छूती खाद की कीमतों के बीच में किसान को तब नुकसान होता है जब ज्यादा से ज्यादा खाद डालने के बाद भी किसान को अच्छी पैदावार नहीं मिलता है। सबसे ज्यादा जिम्मेवार कहीं न कहीं नकली खाद ही होता है। इस मिलावट की दौर में किसान को ये फिक्र रहता है कि जो खाद अपने फसल पर डाल रहे हैं, क्या वह असली है या नकली। ऐसे में नकली खाद की पहचान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इसकी पहचान करने के आसान तरीका के बारे में जानते हैं कि आप खाद की पहचान कैसे करेंगे। किसान भाइयों, आप अपने घर पर आपका खाद असली है या मिलावटी, उसका जांच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में मैं पूरी खाद की डिटेल से चेक करता हूं और जानेंगे कि खाद को हम किस तरह से चेक करने का इसका तरीका है। तो किसान भाइयों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, घंटा का बटन जरूर दबाएं। इस वीडियो में आज डीएपी खाद की पूरी जांच करते हैं कि कैसे पता करें असली है या नकली। डीएपी खाद का पूरा नाम डाइमोनियम फॉस्फेट होता है। इसमें 18% नाइट्रोजन, 40% फॉस्फोरस होता है। इस 18% नाइट्रोजन में से 15.5% अमोनिया नाइट्रेट होता है तथा 40% फास्फोरस में से 39.5% फास्फोरस पानी में घुलनशील होता है, बाकी बचा हुआ फास्फोरस मिट्टी में ही घुलता है। डीएपी खाद की पहचान किसान भाई आप इस प्रकार कर सकते हैं। डीएपी खाद का सख्त दानेदार होता है, जो दाना होता है गोल सा, वो सख्त होता है। रंग की बात करें तो भूरा, काला, बादामी रंग का डीएपी खाद आता है किसान भाई। पहला पहचान, अगर आप डीएपी खाद का दाना अगर नाखून से दबाने पर आसानी से नहीं टूटेगा, बहुत जोर से भी आप दबाएंगे तो वह दाना आपका टूटेगा फूटेगा नहीं। दूसरा पहचान है किसान दोस्तों, डीएपी के कुछ दाने को तंबाकू की तरह उसमें चूना मिलाकर मसलने पर, जैसे हम तंबाकू लगाते हैं उस तरह से मसलने पर बहुत ही अधिक दुर्गंध निकलती है, जिसे सूंघना असह्य होता है, बहुत बदबू निकलता है इससे। अब जो मैं तीसरा तरीका किसान दोस्तों आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, थोड़ा सा आप डीएपी कुछ दाना लेकर के तवे पर धीमी आंच में गर्म करने पर जो डीएपी का दाना है वो फूलने लगेगा, यानी फूल जाएगा, और तेज आंच करने पर वो पिघल जाएगा। तो इस तरह से आप किसान दोस्तों डीएपी खाद को आप अपने स्तर से जांच करके असली और नकली डीएपी का पता लगा सकते हैं और नुकसान होने से आप बच पाएंगे। जो डीएपी खाद दोस्तों अगर धीमी आंच में फूलने लगे और तेज आंच में अगर पिघल जाए पूरी तरह से, तो वह डीएपी ओरिजिनल होगा। अगर जो डीएपी अगर धीमी आंच में फूले ना और तेज आंच में अच्छी तरह से पिघल ना जाए, तो दोस्तों समझे कि वह डीएपी नकली है। तो दोस्तों इस तरह से आप डीएपी की असली और नकली खाद की पहचान कर सकते हैं। तो यह वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो, आपने यहाँ तक यह वीडियो देख लिया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।